हिंदी दिवस 14 सितंबर 2019 की इस तारीख की, ये तारीख तारीख नहीं होकर हम सभी के लिए एक त्यौहार है। हिंदी दिवस जब ये शब्द हम सुनते भी हैं तो मन में एक अलग रोमांच आ जाता है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को संरक्षण देती है, दुलारती है, संघर्षों के साथ में भावी भविष्य के लिए तैयार करती है, उसी तरह एक भाषा भी व्यक्ति के अंतरतम को शुद्ध करती है, व्यक्ति की समृद्धि को बढ़ाती है। उसके शब्दों की समृद्धि जब बढ़ती है, उसका शब्दकोश जब बढ़ता है, तो उसका विस्तार व्यापक होता चला जाता है। मैं शुरुआती स्तर तक 10+2 तक तो हिंदी का छात्र जरूर रहा, और उसके बाद में विषयगत स्थितियों में हिंदी उस स्तर के साथ में साथ नहीं चली। किंतु जो एक भाषाई स्तर के साथ जुड़ाव होता है, भले ही आप कितनी ही इंग्लिश पढ़ लीजिए, दूसरी लैंग्वेजेस के साथ में चले जाइए, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ चले जाइए, किंतु मातृभाषा और राष्ट्र की भाषा हिंदी के साथ आप जब गहरे से उतरते हैं, तो न जाने कितनी गहराई से अंतरतम के भीतर ये भाषा बैठने लगती है, शब्दों के साथ एक नई गुनगुनाहट सामने आने लगती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे जैसे साधारण और अदने से व्यक्ति को जो ये आपने स्नेह दिया, इसके पीछे पारिवारिक सौगात ज्योतिष के रूप में थी, किंतु हिंदी भाषा के साथ जो लगाव रहा, आज आप कल्पना कर सकते हैं, जब लोग कहते हैं कि इस भाषा के साथ में उस स्तर पर कमाया नहीं जा सकता, तब मैं आपको ये बात कहता हूँ कि विदेशों से हमारे पास में कॉल आते हैं और लोग सर्वप्रथम यही शब्द कहते हैं कि आपसे जब इस भाषा में बात करते हैं तो एक आत्मीयता लगती है, एक स्नेहिल वातावरण लगता है, खुद से जुड़ पाते हैं, ऐसा लगता है कि उसी सरजमीन पर पहुंच गए हैं, ऐसा लगता है कि उस मिट्टी के साथ में बहुत गहरे से जुड़ाव हो गया है। आपके बच्चे भी अंग्रेजी बहुत अच्छे से उन्हें दुनिया सिखा देगी, क्षेत्रीय भाषाएं लगातार सीख लेंगे, वो जिंदगी में जिस स्थिति की आवश्यकता है उसमें वो ढल जाएंगे, किंतु अक्षुण रखने वाली स्थितियों में अपनी मातृभाषा की सौगात उन्हें भीतर तक जरूर दीजिएगा। देखिएगा आप कि किसी भी स्तर पे संघर्षों के साथ में वो व्यक्ति अक्षुण रहेगा जिसके भीतर अपनी मातृभाषा के प्रति दुलार है, स्नेह है, सम्मान है और एकात्मक सोच के साथ में आगे चलने की प्रवृत्ति है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये एक स्थिति है, किंतु वहीं पर हमारी हिंदी भाषा भी हमें उतना ही समृद्ध करती है। ये एक ऐसा सागर है जिसके भीतर क्षेत्रीय नदियां लगातार आकर मिलती है। इस त्योहार की अनेकों अनेक और कोटिशह शुभकामनाएं। आज के दिनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। 14 सितंबर 2019 शनिवार, वहीं पे प्रतिपदा श्राद्ध इसी दिन रहने वाला है, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की परिधियां रहेंगी। सूर्य 26 डिग्रीज की पोजिशन में रहेंगे, तो चंद्रमा दोपहर के बाद के समय तक तो कुंभ राशि में और उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। विशेष चर्चा जनित राशि आज मेष ही है, और वहीं से शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। जो लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी हुई है और जो एक तरह से नित नई सौगातें आपको कामकाजी जीवन में पिछले दो दिनों से मिलती चली जा रही थी, वो आज दोपहर तक भी जारी रहेगी। जिस भी कामकाज के भीतर आपने आगे बढ़ना शुरू किया, वहां पर उसी रफ्तार के साथ में आपको रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। कर्मशील रहें, मेहनत को पूरे तरीके से अपने साथ में लेकर रखें, किसी भी बात से उचाट होने की या फिर अज्ञात भय को अपने भीतर जगह देने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आप कमिटमेंट करना चाहते हैं व्यापार में, देखिए व्यापार में वो दिन बहुत महत्वपूर्ण रहता है जब व्यक्ति किसी भी कमिटमेंट की तरफ बढ़ता है, एक कमिटेड अप्रोच की तरफ, आप एक प्रॉमिस की तरफ बढ़ गए तो उसके बाद में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति की जो छवि निर्मित होती है वो वहीं से होती है। कमिटमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी इंडस्ट्री, भले ही बिल्डिंग मटेरियल आदि कामकाज से आप जुड़ाव रखते हैं, वहां पर भी ये दिवस, ये अंतराल आपके लिए बेहतरीन संभावनाएं लेकर आ रहा है। किंतु जो दूसरा अंतराल रहेगा, जो शाम को 4:15 के बाद का समय अंतराल रहेगा, उसके भीतर बहुत ज्यादा अनर्गल तरीके के खर्चे निकल कर नहीं आए। लाभ हुआ तो उसको संवारने की जरूरत है, उसको संरक्षित करने की जरूरत है, उसको कहीं भी इधर उधर करने की कोशिश नहीं करें। कोई भी ऐसे रोटेशन के अंदर उस रुपए पैसे को नहीं डालें जहां पर वो एक तरह से उलझावे की श्रेणी के भीतर आ जाए। नौकरी पेशा लोगों के लिए मानसिक दबाव बना रह सकता है, किंतु यही मेंटल प्रेशर आपको एक नए निखार की तरफ लेकर जाएगा और नित नए पोजीशंस के साथ में एक्सप्लोर करने वाला भी रहेगा, तो उस स्तर के ऊपर आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए। अब चर्चा वृषभ राशि की। यहां
कर्म प्रदानक स्थितियों में आपके लिए एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। आज जितनी मेहनत के साथ में आप अपने कामकाजी जीवन की ओर जाएंगे, उतने ही अच्छे परिणाम लेकर आने वाले रहेंगे। प्रबंधन के भीतर श्रेष्ठता रहेगी। जो भी आप मैनेजमेंट की पोजीशंस के साथ आप जुड़े हुए हैं, अपने कामकाज को भी एक बेहतरीन तरीके से मैनेज करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर भी ये दिवस, ये अंतराल पॉजिटिविटी आपके लिए लिए हुए है। एक नए निखार के साथ में आप बढ़ने का कार्य अपने जीवन में करेंगे। प्रबंधकीय दक्षता के साथ में आजीविका के साधन नए अगर खोजना चाहते हैं, आपने अपने मैनेजमेंट के अंदर एक और नई कड़ी जोड़ दी कि एक पैसिव इनकम का सोर्स हम अपने लिए ढूंढना चाहते हैं। एक तो डायरेक्ट इनकम का सोर्स चल ही रहा है, उसके अलावा कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर दिए जाएं या फिर कामकाजी जीवन में कुछ ऐसे रोटेशंस लेकर आए जाएं जो नया एक तरह से स्तर रुपए पैसे के हिसाब से हमारे लिए खड़ा कर दे। एक तरह से कोई पोजीशन स्लगिश हुई, थोड़ी सी नेगेटिव हुई, तो दूसरी स्थिति उसको संभालने वाली हो, ये स्तर आज आपके लिए दिखाई देता है पूर्ण रूपेण, तो वहां पर जरूर बढ़ने की शुरुआत आपको करनी चाहिए। ऐसी और नए फाइनेंशियल रिसोर्सेस की ओर जरूर विचार करें। ट्रांसपोर्टेशन संबंधी बिजनेस में आज निर्णायक तौर के ऊपर आपके लिए प्रगति कही जा सकती है। उस हिसाब से भी आप अपनी रफ्तार को दुगुना करके बढ़ सकते हैं। पुराने रिलेशंस फिर से समृद्धि की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं आपके लिए। मिथुन राशि, जो भाग्य का सपोर्ट बना हुआ था वो शाम के समय अंतराल तक रहेगा। जिस भी काम के अंदर आप लक फैक्टर को लेकर चल रहे थे और जहां पर आप खुद को भाग्यशाली मान रहे थे कि बिल्कुल एक तरह से थ्रेशोल्ड के ऊपर कोई काम अटके हुए थे, वो परिपूरित होते चले जा रहे थे, आज भाग्य के साथ में कर्म की आवश्यकताएं रहेंगी। इतनी आसानी और सुलभता के साथ में वो कार्य पूर्ण नहीं होने वाले हैं। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और साथ ही साथ में लोगों के साथ में जो पोजिशंस का एक कनेक्शन होता है उसे भी बहुत बेहतरी के साथ में एस्टेब्लिश करके आगे लेकर जाना रहेगा। आपको अति महत्वाकांक्षाएं एक तरह से सताने का कार्य कर सकती है। फैसिनेशंस और सेंसेशंस के साथ में जितना बचकर चलते हैं उतना ही इस दिन को आप बेहतरी के साथ में आगे लेकर जाने वाले रहेंगे। लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करके चलें जिससे कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए नित नई संभावनाएं निकल कर आ सकती है। आप अगर शैक्षणिक विभाग के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर संबंधी व्यापारिक गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी नया कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, स्थायित्व का कोई भी काम अपने यहां लेकर आ गए हैं आप, उसमें आप कुछ और परिवर्तन करके आगे बढ़ने की चेष्टाएं आपकी है या फिर कुछ रद्दोबदल इस श्राद्ध पक्ष के भीतर करके नवरात्रों के साथ में उसको तीव्रता देना चाहते हैं, उस और भी आप बढ़ने का कार्य पूर्ण रूप से कर सकते हैं। कर्क राशि, सर्वप्रथम जो दिन का शुरुआती अंतराल है वो अज्ञात भय से ग्रसित रहेगा। कोई भी कामकाज में महत्वपूर्ण डीलिंग करने के लिए जाना है, कोई भी एक तरह से मटेरियल की पोजीशंस को अपडेट करने के लिए जाना है, हमें नवरात्रों के हिसाब से दीपावली के हिसाब से कुछ परचेजिंग आदि भी करनी है, तो उस परचेजिंग की जो कार्य योजना बनानी होती है उस हिसाब से ये दिन आपके लिए श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उन सारी ही गतिविधियों को खंगालने की कोशिश आप पूर्ण रूप से करें। कम्युनिकेशन के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, उस फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आप चलते हैं, तो ये बात स्मृतियों में रहे पूर्ण रूप से कि दोपहर तक कोई भी निर्णायक वार्ता के लिए जाना है, भले ही इवेंट मैनेजमेंट हो, रेडियो जॉकी संबंधी फील्ड हो, एंकर्स जो भी रहते हैं उनके संबंधित जो भी फील्ड्स रहते हैं वहां थोड़ा सा रुक कर जाएं। शाम 4:15 के बाद में कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंग आदि के लिए जाना है आप जा सकते हैं। वहीं पर अगर गृहस्थ संबंधी स्थितियों की अगर हम चर्चा करते हैं तो कुछ दुराव जो पिछले दिन बने हुए थे वो आज भी सताने का काम कर सकते हैं। वहां पर अपनी स्थितियों को अक्षुण रखने का कार्य करें। अगर कहीं पर भी क्लैशेस की पोजीशन आ रही है, नम्रता के साथ में अपनी पोजीशंस को नीचे लेकर आने में कहीं भी कोई दिक्कत और दुविधाएं नहीं होती है। गृहस्थ के भीतर जब व्यक्ति यू और ए के साथ चलता है, अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट के साथ में चलता है, तो कुछ नित नया अचीव करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और वहीं से जो एक जुड़ाव की प्रगाढ़ता की जो शुरुआत है वो होती हुई देखी जा सकती है आपके लिए, तो उस लिहाजा भी ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए बना हुआ है। चिंतित और विचलित होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब चर्चा सिंह राशि की।
यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों के भीतर जो तीव्रता बनी हुई थी उसमें कुछ असमानता रह सकती है। आपने जो निर्णय लिए पिछले दो दिनों से वो बहुत सटीक जा रहे थे, शाम के समय उसको अति आत्मविश्वास के साथ में जोड़ने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करें। ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशन निर्णय में कई बार परेशानी देने का कार्य करती है। लाभ के दिन के साथ में हमें चूकना नहीं है, लेकिन जो दिन हल्की सी भी नेगेटिविटी बता रहा हो वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं जाए। कई लोग कहते हैं कि साहब एक क्षणिक क्षण आया, एकदम एक इंस्टेंट अप्रोच आई जहां पर हमने निर्णय ले लिया। हमें मालूम था कि यहां नेगेटिविटी निकल सकती थी, किंतु न जाने कौन सी ऊर्जा थी जिसने उस निर्णय की तरफ हमें लेकर जाने का कार्य किया। जब हम ये समझ रहे हैं और जब हम आपको राशिफल के माध्यम से बता भी रहे हैं तो पूर्ण रूपेण कॉन्शियस रहें। इमेजिनेशंस के साथ में चलना, आगे से आगे सोचकर बढ़ना वो एक अलग बात है, किंतु इस क्षण के भीतर खुद को विद्यमान करके रखें। प्रकृति यही कहती है। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। कई लोग जो है बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं तो फोन को साइलेंट कर देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि उस फला व्यक्ति को फिर से कॉल करना भी है। कुछ लोगों की फितरत होती है कि फोन उठाएंगे और कहेंगे कि अभी व्यस्त हूं, थोड़े दिन बाद या थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं। कुछ लोग मैसेज करते हैं या फिर याद रखते हैं कि अगले दिन भी जब समय मिला तो हम कॉल जरूर करेंगे। ये प्रवृत्तियां क्या है? ये प्रकृति के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां हैं। व्यक्ति किस तरह से अपने रिश्तों को लेता है, किस तरह से कॉन्शियसनेस के साथ में अपनी पोजीशंस को लेता है, कितना नॉनचैलेंट है, कितनी बेफिक्री के साथ में बढ़ रहा है, वो सब कुछ इन राशिगत स्थितियों के साथ में निकलकर, आपकी प्रकृति के साथ में निकलकर सामने आता है। यही व्यक्ति का ऑरा बनाने वाली स्थिति है। तो उस हिसाब से आज अति आत्मविश्वास के साथ में बचें, विश्वास के साथ में निर्णय लें, अपनी पोजीशंस को बहुत गहराई से समझ के चलने का कार्य करें। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नुकसानदायक हो सकता है। कोई भी कमिटमेंट करते हैं तो उस अप्रोच का भी ख्याल रखें पूर्ण रूपेण। एक और बात, जो गृहस्थ में कॉम्पेटिबिलिटी बनी हुई थी आज वो आपके एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आ सकती है। आप विश्वास करके अपने बेटर हाफ को कोई भी फला काम बता सकते हैं और वो परिपूरित होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से आपके लिए बनी रहेगी। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ में बात की जाए तो फॉर्मेटिव अप्रोच में कई नए परिवर्तन निकल कर आ सकते हैं आपके लिए, यानी कि शिक्षा काल के साथ आप जुड़े हुए हैं। नए परिवर्तन पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाएंगे। संतान के माध्यम से कई सुनिश्चित तौर के ऊपर सकारात्मक खबरें आज भी आपके लिए देखी जा रही है। अब चर्चा कन्या राशि की। कन्या राशि वाले महानुभाव, जो शुरुआत का अंतराल है, कोई भी पुराना रोग परेशान कर रहा था उसको डायग्नोस करवा के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप जा सकते हैं और वहीं पे आयुर्वेदिक इलाज आदि के लिए भी आप जाना चाहते हैं। ये दिवस अंतराल विशेष तौर के ऊपर आपके लिए सुलभ है। आप उस ओर जरूर जाएं, जो खर्चे निकलेंगे वो रोग नाश की ओर लेकर जाएंगे। व्यक्ति की अगर स्वास्थ्य की स्थितियां संरक्षित है तो वो किसी भी स्तर के ऊपर संघर्ष कर सकता है, किंतु जब शरीर साथ नहीं देता तो व्यक्ति वहीं से ढलान की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि एक उम्र के बाद में जोश के ऊपर शरीर की स्थितियां हावी होने लगती है। तो आज आप पूर्ण रूप से अपनी स्थितियों को अक्षुण रखने वाले हों और उसके साथ ही आगे बढ़ने की तैयारी रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जीवन रूपी संग्राम क्षेत्र में लगातार विजय हासिल आप करने वाले होंगे। व्यापारिक तौर के ऊपर कोई भी अपग्रेडेड पोजिशंस का निर्णय लेना है आपको तो ये ध्यान रखिएगा कि शाम को 4:15 के बाद में आप और बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए मेंटल टेंशन और मेंटल प्रेशर की पोजीशंस सताने का कार्य कर सकती है, उससे जितना बचकर चलेंगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। अब चर्चा तुला राशि की। यहां आप सर्वप्रथम देखें कि कोई भी निर्णायक मीटिंग की तरफ आप जाने वाले हैं, बिजनेस के भीतर कोई भी मेजर चेंजेस की तरफ आप बढ़ने वाले हैं और उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज है या फिर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज जो कि किसी प्रोडक्ट के साथ में जुड़ा हुआ है। याद रखें, जो एंड पोजीशंस है अगर वो किसी भी सब्सटेंशियल एक तरह से प्रोडक्ट के साथ में जुड़ी हुई है, जो सिर्फ और सर्विस के आसपास नहीं घूम रही है, उसमें कई और एक तरह से गतिविधियां रहती है, वो सारे ही क्षेत्र विशेष के भीतर आपके लिए एक पॉजिटिविटी रहेगी। आप कोई भी फाइनेंशियल पोजीशंस का निर्णय करने की ओर अग्रसर हैं, कोई भी अपना पैसा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, इस दिन को आप चूज कर सकते हैं उस हिसाब से। साथ ही साथ में संतान से सुख की स्थितियों में थोड़ी सी चिंताएं बनी रह सकती है। संतान कहीं बाहर पड़ रही है, उनकी तरफ से थोड़ी सी चिंताएं बनी रह सकती है। आप उनसे कम्युनिकेशन गैप रखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें, उनसे पूर्ण रूप से जुड़ के आगे चलने का काम करें। नौकरी पेशा लोग जो कि एक
طرح سے 6 days a week کے بھیتر چلنے کی اور رہتے ہیں ان سبھی کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ آج کا دن جو ہے جب لوگ ایک وشرام کی استھتیوں میں آ چکے ہوں کہ کل سنڈے ہے پرسوں سے لگیں گے، یہ دن آپ کی شمتاؤں کا پریچائک ہے، یہ دن آپ کی اورجا کا پریچائک ہے، یہ دن آپ کے اکیلے کھڑے رہ کر وجے پراپت کرنے کا پریچائک ہے، پنچم کے چندرما ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو دیوس کے ایک انترال تک برہسپتی کے ساتھ میں پوزیشنز رہے گی وہ 4-10 کی بنی رہنے والی ہے، تو وہاں پر آجیوکا کی جو پوزیشنز ہے، کانفیڈنس کی جو پوزیشنز ہے وہ نرنائک طور کے اوپر پرگتیشیل آپ کے لیے کہی جا سکتی ہے، کہیں بھی امید اور وشواس سے پرے جا کر سوچنے کی آوشکتا نہیں ہے، ہٹائیے سارے سندیہ، کلیئرٹی کے ساتھ میں بڑھنے کا کاریہ کرتے چلے جائیے آپ۔ ورشچک راشی، دیکھیے چترتھ کے چندرما ہے سرو پرتھم، تو اس لیے نئے کام کاج کی شروعات اور ویسے بھی شرادھ پکش ہے، ویکتی نرنائک کام کاج کی طرف جاتا نہیں ہے کنتو بھومی کا ضرور بناتا ہے، اپنے من کے بھیتر اوچیتن میں جو یوجنائیں بند پڑی تھی یا پھر بھیتر ہی بھیتر تھی ان کو باہر نکال کر آپ ضرور لے کر آئیں اور ان کو یوجنا بدھ طریقے سے سامنے رکھنے کا کاریہ آپ ضرور کریں۔ پہلی بات تو یہ کرم میں تھوڑی سی اچاٹ کرنے والی استھتیاں رہ سکتی ہے، تھوڑے سے کنفیوژنس رہ سکتے ہیں، تھوڑے سے ایک طرح سے جو لوگوں کے ساتھ میں شنشے نکل کر آتے ہیں، کسی کے اوپر اوشواس کی پرورتی نکل کر آتی ہے، سالوں سے ایک ویکتی پہ وشواس کر رہے ہیں، آج اوشواس نے کسی کی کہیں بھی چھوٹی سی بات کے دوارا جنم لے لیا، اس ویکتی کے اوپر اپنے سندیہ کرنا شروع کر دیا، ایسا دن میں نہیں ہو یہ آپ دھیان رکھیے گا، کسی کو بھی آپ کی وانی کے دوارا چوٹ نہیں پہنچے، وشیش طور پہ کام کاجی جیون میں یہ بھی خیال رکھنا آوشک رہے گا آپ کے لیے، یہ دھیان رکھ کر چلنے کی آوشکتا رہے گی۔ شیکشنک کال کے اندر جو ایک طرح سے آپ کے لیے رشتوں میں ڈیمانڈنگ پوزیشنز ہوتی ہے، آپ ایجوکیشن لائف کے اندر ہیں جہاں پہ ریلیشنز بھی لگاتار چلتے ہیں، ویکتی ہے جڑاو ہوتا ہے سنشچت طور کے اوپر ہے، بھلے آپ اسے افیئر کی سنگیا دے دیجیے، جڑاو کی سنگیا دے دیجیے یا کسی اور استھتی کے ساتھ میں ایک نئے پریچے کے نام کے ساتھ میں دیکھ لیجئے، ان سارے ہی شیتر وشیش میں ایک ڈیمانڈنگ پوزیشن رہ سکتی ہے۔ آپ کا جو ایوالیوشن پروسیس ایک ریلیشن کے ساتھ چل رہا تھا، ہمیشہ یہ آنکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایوالیوشن یعنی ڈیولپ ہونے کی طرف ہی چل رہا ہے یا پھر کسی استر کے اوپر وہ ڈیمانڈ کے بھیتر آ چکا ہے، رشتوں میں ڈیمانڈ کی آوشکتا نہیں ہے، کمپیٹیبلٹی کی آوشکتا ہے، اس مول منتر کو دھیان رکھ کر آگے بڑھنے کا کاریہ آپ کریں۔ دھنو راشی، پراکرم کی پوزیشنز پورن روپ سے ودیمان رہے گی آپ کے ساتھ میں، یعنی کہ جو پراکرم کی استھتیاں ہیں وہ ایک نیکسٹ لیول کے اوپر آپ کو لے کر جانے والی رہے گی، بنیادی استر کے اوپر جو آپ کے گن ہیں وہ بہت ادھک کام آنے والے ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے آپ نے کسی بھی شیتر وشیش کا ایکسپیرینس لیا تھا، کوئی ہنر آپ کے بھیتر ودیمان تھا، آج وہ ہنر پھر سے سامنے آ کر آپ کے کاریوں کو آسان کرنے والا رہے گا، یہ اسمرتیوں میں پورن روپ سے رکھ کر آپ آگے چلنے والے ہوئیے گا۔ پرتھم درشٹی گوچر استھتی یہ، دوسرے لیول کے اوپر ہم بات کریں تو ویاپارک گتیویدھیوں میں بزنس پارٹنرشپ چل رہی تھی، آپ کے بزنس پارٹنر کا بھی سننا آوشک ہے اور ان کے ساتھ میں ہی نرنے لینے کی طرف آپ جائیں، بھاگیہ کا سپورٹ بنا ہوا ہے، روپے پیسے کے حساب سے بھی یہ کام کاجی دن بیٹرمنٹ کی طرف آپ کو لے کر جانے والا رہے گا، کلا کے کشیتر وشیش کے ساتھ میں جڑے ہوئے لوگوں کے لیے آنندت کرنے والا، پرتشٹھا دینے والا، نام اور خیاتی دینے والا یہ دن رہے گا۔ مکر راشی، آپ یہاں دیکھیں کہ جو چندرما نے دوتیہ استھان کے ساتھ میں جو شام کے انترال تک سمے بنا رکھا ہے وہ کٹمبی جنوں کے ساتھ میں آپ کے لیے دھیرے کی پریکشاؤں کو لے کر آنے والا رہے گا۔ کسی بھی کٹمبی جن نے کچھ کہا، آپ کو معلوم ہے کہ رشتہ بہت ہی ایک طرح سے مکھمل کی ڈور کے اوپر چل رہا ہے اور ہمیں بھی بہت ساودھانی سے چلنا ہے، کٹوتا بھری استھتیاں لمبے سمے سے چل رہے ریلیشن کو پریشان کر سکتی ہے، فائنینس ایک طرف ہے، گرہست ایک طرف ہے، ماتا پتا کے ساتھ میں سمبند ایک طرف ہے، کنتو کٹمبی جنوں کے دوارا ہی پریوار پورن ہوتا ہے، اس استر کے اوپر آپ اس مخملی دھاگے کے اوپر اتنی ہی سمویدناؤں کے ساتھ میں چلنے کا کاریہ کیجئے گا۔ ہڈن پرابلمز نکل کر نہیں آئے، آپ ان کو نمنترن دینے کا کاریہ نہیں کریں، کوئی بھی رشتہ بہت پہلے پیچھے چھوٹ چکا تھا، آج اسے پھر سے جیون کے بھیتر لانے کی شروعات آپ کو کرنے سے بچنا چاہیے، جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی جیون کے بھیتر اسے ایک طرف رکھیں، آج جو جیون ہے وہ سرل ہے، سہج ہے، جیون میں جتنی سرلتا رہتی ہے، جتنی سہجتا رہتی ہے، اتنا ہی ویکتی جو ہے گتیمان ہو کر آگے بڑھتا ہے، اس لحاظہ بھی ایک پروفیٹیبل اپروچ کی طرف آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ کمبھ راشی،
यहाँ सर्वप्रथम आपके लिए जो ऊर्जा की स्थितियां हैं वो पहले हाफ तक यानी कि जो शाम तक का समय है उसमें बहुत अच्छे से बनी रहेगी। फिर निर्णय में बिल्कुल भी उतावलापन और तीव्रता दिखाने से बचें। अनर्गल खर्चे निकल कर आ सकते हैं। विदेश संबंधी किसी भी कामकाज, भले ही वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी पोजिशंस हो या कोई अन्यत्र क्षेत्र, वो स्थितियां थोड़ा सा परेशान आपको कर सकती है। किसी न किसी स्तर के ऊपर जो है आपको ठहराव की आवश्यकताएं इस दिन में रहेंगी, जहां आप सोच विचार कर पाए कि अगर नेगेटिव है तो क्या पिछले दिन था, नहीं शायद वो दिन बेहतर था। और जो है आगे आने वाले दिनों के भीतर भी जो पोजीशंस रहेगी क्या ऐसी रहेगी, नहीं रहेगी। आज का दिन स्पेसिफिकली थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखा रहा है, तो हम जब उस समय की चाल को समझ लेते हैं तो खुद के भीतर एक स्थायित्व लेकर आ पाते हैं, खुद के भीतर एक धीमापन लेकर आ पाते हैं और उसके साथ ही आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। ये बात कैलकुलेशन के साथ में आप अपने भीतर ध्यान रखकर चलिएगा। व्यापारिक गतिविधियों के भीतर निर्णायक स्तर पे कोई भी काम करने से थोड़ा सा बचना चाहिए शाम के समय के बाद से। नौकरी पेशा लोगों के लिए नए ऑफर अगर सामने आते हैं तो पहले उसको पूरे तरीके से चेक करें और उसके बाद ही आगे बढ़ने वाले हों आप। अब चर्चा मीन राशि की। चंद्रमा स्वराशि स्थान के भीतर यानी कि मीन राशि स्थान के भीतर एक तरह से जो है 4:11 के बाद से आ जाएंगे। स्वराशि स्थान यानी कि मीन राशि की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मीन राशि के भीतर चंद्रमा विराजित होने वाले रहेंगे। स्वराशि स्थान इनका कर्क है, किंतु इस पोजीशन के भीतर मीन राशि वालों के लिए मीन राशि में आने वाले रहेंगे। ऐसे स्तर में शाम 4:15 के बाद में एक ऊर्जा का फ्लो पूर्ण रूप से रहेगा। किसी भी कामकाज को करने में निर्णायक तीव्रता की आपको आवश्यकता थी वो बनी रहेगी। व्यक्ति कई बार डिसीजन के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है और वो डिपेंडेंसी कई बार घातक भी सिद्ध होती है। ऑफर साथ से निकल जाते हैं, इसलिए ये जो टाइम है निर्णायक मोड़ के ऊपर कोई भी पोजीशन रख रखी है आप जरूर उस ओर बढ़ने का कार्य करें। नौकरी पेशा स्थितियों के अंदर जो है आप अगर किसी नई अपॉर्चुनिटी को तलाश करके आगे बढ़ने वाले थे तो शाम के बाद सकारात्मक समाचार आपको मिलने की ओर अग्रसर हो सकते हैं, यह ख्याल रखिएगा। डिस्ट्रैक्शंस जो कि लव लाइफ के अंदर कई बार निकल कर आते हैं वो परेशानी का सबब बिल्कुल भी नहीं बने, ये भी ध्यान रखने की जरूरत आपको पूर्ण रूपेण रहेगी। तो ये था 14 सितंबर 2019 का दैनिक राशिफल। ऐसी ही कई और चर्चाओं के साथ में समय दर समय मुलाकात होगी। हिंदी दिवस की बारंबार और कोटिशह शुभकामनाएं।